दोस्तों, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। और आज तीन बड़ी खबरों को लेकर आए हैं आपके पास। दोस्तों, पहली खबर है कि बीएड काउंसलिंग में जो है इस बार असीमित कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा। और दूसरी खबर है 5 वर्ष में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को जो है मिलेगी छात्रवृत्ति। और तीसरी खबर है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी नौकरी अब पक्की हो जाएगी। तो इन खबरों को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि इस बार असीमित कॉलेज चुनने का मिलेगा मौका। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। 6 जून से शुरू होने वाली बीएड की काउंसलिंग में इस बार अभ्यर्थी जितने कॉलेजों का विकल्प चुनना चाहें चुन सकेंगे। पहले सिर्फ 10 कॉलेज चुनने का विकल्प होता था। बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट और रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। 15 अप्रैल को हुई इस प्रवेश परीक्षा में 5,66,399 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। अब बीएड की मान्यता वाले प्रदेश भर के 2,427 कॉलेजों के लिए 6 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 2,14,000 सीटों के लिए दुगने से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर बीआर कुकरेती ने बताया कि पहले काउंसलिंग के दौरान 6 छात्राओं को 10 कॉलेज चुनने का विकल्प मिलता था, लेकिन इस बार कोई संख्या तय नहीं है। जितने चाहे कॉलेज चुन सकते हैं, बस उन्हें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। कॉलेज आवंटित होने के बाद प्रतिभागी को 2 दिन में फीस जमा करनी होगी। अगर इसमें चूक हुई तो फिर पूल काउंसलिंग में मौका मिलेगा। चरणबद्ध होगी पूरी प्रक्रिया। प्रोफेसर कुकरेती ने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। प्रतिभागी अपनी सहूलियत के अनुसार कहीं भी बैठकर कंप्यूटर से एक एक विकल्प भरकर इसे पूरा कर सकते हैं। प्रक्रिया को इतनी आसान रखा गया है कि इसे मोबाइल के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। दूसरी खबर यह है, पीएम मोदी का अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास बहाली की सलाह के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कई अहम योजना बनाई है। 5 वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के 5 करोड़ छात्रों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने व 25 लाख नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से दक्ष करने की योजना बनाई है। अल्पसंख्यक लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी पढ़ो बढ़ो अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रालय के लिए 3E जो है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया है। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में नकवी ने कहा, हमें अपना लक्ष्य हासिल करने को विकास की गाड़ी को विकास जो विश्वास के हाईवे पर दौड़ाना होगा। शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण से ही अल्पसंख्यक मंत्रालय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जिन 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी उनमें कोशिश 50% छात्राओं को शामिल करने की होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा रोजगार की जानकारी देने के लिए 100 से अधिक मोबाइल वैन को माध्यम बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रगति पंचायतों के जरिए भी मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो 25 लाख नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से दक्ष करने की भी योजना है इनकी। और अल्पसंख्यक मंत्रालय चलाएगा पढ़ो बढ़ो अभियान। और दोस्तों, ये रही आज की सबसे बड़ी खबर। ये है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी नौकरी अब पक्की हो जाएगी। सूबे के निजी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों से अब अंशकालिक का ठप्पा हट जाएगा। अंशकालिक शब्द की जगह अब पूर्णकालिक शब्द रहेगा। इसके बाद शिक्षक को निकालना भी आसान नहीं होगा। प्रबंधक को निकालने का कारण ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को बताना होगा। भर्ती किए गए शिक्षकों का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। इन शिक्षकों का सेवा अनुभव भी अब जोड़ा जाएगा। स्कूल प्रबंधन और DIOS संयुक्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। निजी स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली में कई ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जोड़े गए हैं जिससे वह मजबूती के साथ नौकरी कर सकेंगे। यही नहीं, न्यूनतम 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन भी स्कूल को देना होगा। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि सेवा नियमावली के लिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। संशोधन के बाद इसे लागू किया जाएगा। उधर लखनऊ शिक्षक खंड के MLC व माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उमेश द्विवेदी कहते हैं कि इससे वित्त विहीन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त विहीन शिक्षकों ने इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा की पहल पर अब यह मजबूत हो सकेंगे। सरकारी मानदेय बंद होने के बाद हुआ था आंदोलन। निजी स्कूलों के शिक्षकों को सपा सरकार ने वर्ष 2016 में 2 किस्तों में 1 वर्ष का मानदेय दिया था। उस समय करीब
192,000 शिक्षक पंजीकृत है। इसमें प्रति माह हाई स्कूल स्तर के निजी माध्यमिक स्कूल के टीचर को 850 रुपये और प्रिंसिपल को 900 रुपये और इंटरमीडिएट स्तर के स्कूल में प्रवक्ता को 1,000 रुपये व प्रिंसिपल को 1,150 रुपये दिए गए थे। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। इसके बाद आंदोलन हुआ था। अब सेवा नियमावली में स्कूल प्रबंधन को प्रति महीने न्यूनतम 15,000 रुपये देने के निर्देश दिए गए। तो दोस्तों ये रहा जो है आज का सबसे बड़ा खबर, यही है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी नौकरी अब पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें।